नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अंदी। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, कांग्रेस पर हमला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने राजकोट के नवनिर्मित हिरासर एयरपोर्ट पर उतरे और फिर वहां से एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज अपने दौरे में राजकोट को कुल 2030 करोड़ रुपए की सौगातें दी। कांग्रेस पर महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने महंगाई को गंभीरता से नियंत्रित किया। हमारी सरकार की नीति और निर्णयों से कैसे पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण फोन भी है। आज हर भारतीय औसतन 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। 2014 में 1 GB डाटा 300 रुपए में पड़ता था। अगर वही पुरानी सरकार आज भी होती तो आपका 6,000 रुपए का बिल देना पड़ता। आज लोगों के हर महीने 5,000 रुपए बच रहे हैं। आजकल इन लोगों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे वही है, तौर तरीके भी वही है, पाप भी पुराने हैं, तब नाम बदल लिया है। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो कहते हैं महंगाई को रोना रोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की विचारधारा ने ही मणिपुर को जलाया है। और क्या किया राहुल गांधी ने मोदी सरकार रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता के लिए भूखी है और उसके लिए वह मणिपुर तो क्या बल्कि पूरे देश को भी जलाने से पीछे नहीं हटेगी। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। उनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकार 50 साल पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया जा चुका है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और इससे आपको कैसे फायदा होगा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया। इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का डिजिटली रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिल में प्रावधान है कि रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बिल के कानून बन जाने पर शैक्षणिक संस्थाओं में
दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट तैयार करने, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकेगा। इस बिल के तहत रजिस्ट्रार को बर्थ और डेथ का फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका सर्टिफिकेट 7 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को देना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023 पेश किया। ये बिल 1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कानून को संशोधित करेगा। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है, जिसे एनडीए और इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। क्या विपक्ष ने 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी की पिक्चर की तैयार? देखते हैं रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो केंद्र की सरकार को कठघरे में खड़ा करने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है, जिसे एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। वैसे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है। एनडीए के मौजूद वक्त में लोकसभा में कुल 325 सदस्य हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वालों की संख्या 126 तक ही सिमट जाती है। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी बेफिक्र है, लेकिन पिछले इतिहास को देखा जाए तो ये दाव विपक्ष को ही भारी पड़ सकता है। 26 जुलाई 2023 को कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो पिछले ट्रेड को देखते हुए ये भी माना जा सकता है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने 2024 के चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए पिच तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। उद्धव ने क्या किया मोदी और शाह पर हमला? देखते रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के निजी इंटरव्यू से महाराष्ट्र में नई सियासी बयार बहने लगी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी से लेकर हिंदुत्व, धारा 370, मणिपुर हिंसा सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है, फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, उद्धव ठाकरे मतलब बाला साहिब का विचार है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहिब ने उन दोनों को बचाया था, शायद उनके एहसान का बदला वे इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा, वे चाहे तो मुझे खत्म कर दे, हम भी देखते हैं। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे है। वही शिवसेना में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल गए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहिब के मार्ग पर चलूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एनसीपी नेता अजित पवार बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को भेजा नोटिस। अब क्या बोले अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, देखते रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने एनसीपी के शरद पवार गुट को नोटिस जारी किया है। इसमें अजित पवार की ओर से पार्टी पर दावा किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया। शरद पवार गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी है। शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि वे जल्द ही इस पत्र का जवाब देंगे। वहीं अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पटेल ने कहा कि मैं हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमारे
आदर्श बने रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमने जो राजनीतिक निर्णय लिया है उसे वह स्वीकार करे। पटेल ने कहा कि हम उन्हें मना लेंगे। गौरतलब है कि बीती 2 जुलाई को अजित पवार ने कई एनसीपी विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी थी, जिसके बाद पार्टी में विभाजन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नवसारी जिले के एक कस्बे में एक मकान से 240 सोने के सिक्के मिलने का मामला सामने आया है। 90% शुद्ध सोने के सिक्कों को अब मध्य प्रदेश के 4 पुलिस कर्मियों पर लूटने का बड़ा आरोप सामने आया है। सोने के सिक्कों को लेकर पुलिस कर्मी लापता है। कैसे सामने आया मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। ब्रिटिश कालीन सोने के सिक्कों की चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा में कुछ दिन काम कर रहे कुछ मजदूरों ने जब पुराने मकान की एक दीवार को तोड़ा तो उनकी आंख फटी की फटी रह गई। दीवार में 1-2 नहीं बल्कि सोने के सिक्कों का पूरा खजाना मौजूद था। सोने के चमकदार पीले सिक्के देख मजदूर भौंच के रह गए। मध्य प्रदेश के मजदूरों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को नहीं दी और सोने के सभी 240 सिक्के लेकर अपने गांव चले गए। इस मामला का भेद तब खुला जब इन मजदूरों से सोने के सिक्के मध्य प्रदेश में 4 पुलिस कर्मी ने लूट लिए। अब मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की सूरत पुलिस सोने के सिक्कों की लूट को सुलझाने में जुट गई है। वहीं मजदूरों से सिक्के लूटने वाले पुलिस कर्मी लापता हो गए। पुलिस के अनुसार नवसारी जिले के बिलीमोरा शहर में बांद्रा रोड के निवासी सोएब बलियावाला पेशे से चिकन कारोबारी है। मकान को तोड़ने के दौरान ही मध्य प्रदेश के इन आदिवासी मजदूरों को सोने के सिक्के मिले। उसके मकान मालिक सोएब बलियावाला 17 जुलाई से टूरिस्ट वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए है और यह सिक्के 1922 के पीरियड के मालूम पड़े है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। पहली फिल्म ने तो अपने समय में पर्दे पर खूब धमाल मचाया था। इस फिल्म के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते और वो काफी चौंकाने वाली है, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। साल 2001 में अनिल शर्मा की डायरेक्ट की हुई एक फिल्म आई थी, इसका नाम था गदर एक प्रेम कथा। इसने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा तहलका मचाया था कि आज भी लोगों को कानों में इसके गाने, कहानी और किरदारों के डायलॉग्स गूंज रहे हैं। वाकई इस फिल्म का बोलबाला आज भी है। सनी देओल की गदर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की अकेली ऐसी फिल्म है जिसके 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टिकट बिके थे। ये हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक है जिसका रिकॉर्ड सलमान और शाहरुख खान भी नहीं तोड़ सका है। इतना ही नहीं, 18.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 76.88 करोड़ रूपए भारत में तो 143 करोड़ दुनिया भर में कमाए थे। कुल मिलाकर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। बताया जाता है कि सनी देओल की गदर को 350 स्क्रीन्स पर उतारा गया था। इसे भारत में 5.05 करोड़ लोगों ने देखा था और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी बन गई थी। ये मुंबई के सरगम सिनेमा में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी जहां गोविंद राय इस मूवी में तारा सिंह के लिए पहली पसंद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कार्तिक और कियारा की हाल ही में रिलीज फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने एक और माइलस्टोन पार कर लिया है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का सफर, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा को देश ही नहीं दुनिया भर में अच्छा रिस्पांस मिला है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को सभी एज ग्रुप के लोगों ने पसंद किया। चलिए यहाँ जानते हैं सत्य प्रेम की कथा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो गया है। ऑडियंस के प्यार और सत्य प्रेम की कथा को मिले जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस के साथ फिल्म ने अब दुनिया भर में लगभग 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ही यह फिल्म साल की सरप्राइजिंग हिट बनकर उभरी है। फिल्म के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन से भरपूर एक प्यारी लव स्टोरी कार्तिक और कियारा की ब्लॉकबस्टर जोड़ी अमेजिंग सॉन्ग्स इस फिल्म की USP है। ये फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में जमी हुई है। सत्य प्रेम की कथा का ओपनिंग वीकेंड काफी शानदार रहा था। इसके बाद फिल्म की कमाई में उतार चढ़ाव देखा गया था जिसके बाद इसकी कुल कमाई 82.56 करोड़ रुपए हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। ओ माय गॉड 2 सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी में बेहद ही फंसी हुई है। सेंसर बोर्ड कमेटी ने फिल्म पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 20 कट्स देने का सुझाव फिल्म के मेकर्स को दिया, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर कट लगाने की जरूरत पड़े।
क्या है पूरा मामला देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। ओ माय गॉड 2 की रिलीज डेट बेहद करीब आ गई है, लेकिन फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चक्करों में फंसी हुई है। लोगों की आस्था और धर्म पर आधारित फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की एग्जामिनिंग कमेटी ने सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए फिल्म को दोबारा से देखने के लिए रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने भी इस फिल्म पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 20 कट्स देने का सुझाव फिल्म के मेकर्स को दिया है। इतना ही नहीं, फिल्म को ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट देने की बात भी सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने कही है, लेकिन मेकर्स को फिल्म को दिए हुए प्रस्तावित ए सर्टिफिकेट फिल्म के मेकर्स को मंजूर नहीं है और इसी को लेकर फिल्म के मेकर्स जल्द ही अपनी बात रखने के लिए सेंसर बोर्ड के सदस्यों के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और आदि पुरुष को पास करने के बाद मिली आलोचना के चलते हुए किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। बॉक्स ऑफिस पर ग्रेटा गर्विन की फिल्म बार्बी काफी अच्छी कमाई कर रही है। क्रिस्टोफर नोलन और टॉम क्रूज की फिल्म को मंगलवार को कलेक्शन के मामले में पछाड़ चुकी है। फिल्म अब 4000 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कैसे तोड़ा फिल्म ने रिकॉर्ड, देखते हैं हॉलीवुड रिपोर्ट में। ग्रेटा गर्विग के निर्देशक में बनी फिल्म बार्बी की तेज रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया में भले ही इस फिल्म का जादू इतना न चला हो, लेकिन दुनिया भर में दर्शक बार्बी के रंग में रंग चुके हैं। ओपेनहाइमर और बार्बी दोनों ने ही थिएटर्स में 21 जुलाई 2023 को दस्तक दी थी। हालांकि ओपेनहाइमर को इंडिया में इंग्लिश के अलावा हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया, लेकिन बार्बी सिर्फ अंग्रेजी में ही रिलीज हुई। अगर सिर्फ ओपेनहाइमर और बार्बी की इंडियन कनेक्शन की तुलना की जाए तो इंडिया में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का पलड़ा भारी है। मार्गोट रॉबी और रयान गॉसलिन स्टारर इस फिल्म की कमाई इंडिया में भले ही स्लो हो, लेकिन दुनिया भर में ये फिल्म शेर की तरह दहाड़ रही है। ओपेनहाइमर को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले ही करारी मात दी है। 6 दिनों में ही यह फिल्म दुनिया भर में 4000 करोड़ की तरह तेजी से बढ़ रही है। इस फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3500 करोड़ तक पहुँच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। भारत ने मशाल द्वीप और माइक्रोनेशिया में भारत से एक कफ सिरप में शिकायत मिलने के बाद उससे बनाने वाली दवा कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। क्या था पूरा मामला देखते रिपोर्ट में। पिछले साल गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भारत में बने कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत की नियामक एजेंसी दवा बनाने वाली कंपनियों की जांच कर रही है। WHO ने उत्तरी पंजाब की QP फार्माकेम लिमिटेड के कफ सिरप के कुछ सैंपल को टेस्ट के बाद इंसानों के लिए घातक बताया था। सैंपल में डायथिलीन ग्लाइकोज और इथेनिल ग्लाइकोज की मात्रा मानक से काफी ज्यादा थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने संसद को बताया, क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड और दो अन्य कंपनियों के मेडिन फार्मास्यूटिकल्स और मेरियन बायोटेक प्राइवेट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनका निर्यात रोक दिया गया है। भारत ने जून से कफ सिरप निर्यात का परीक्षण सख्त कर दिया है। कंपनियों को दवाओं का निर्यात करने से पहले एक सरकारी लैब में उसकी जाँच करानी होगी। विश्लेषण के बाद सरकारी लैब की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके बाद ही दवा के निर्यात को मंजूरी मिलेगी। सिरप के इस्तेमाल से जुड़ी कथित मौतों के बाद भी अमेरिका भारी मात्रा में दवा खरीद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।